क्या आपको पता है कि जब आप थाने में शिकायत दर्ज करवाती हैं तो उस पर पुलिस जो है किस तरीके से कार्रवाई करती है। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। पुलिस लगातार बिहार में हो रहे क्राइम को रोकने के लिए अलग अलग तरकीब निकालती रहती है। इसी कड़ी में पुलिस महकमे से एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां अगर आप किसी थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं और आपको इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती है कि उस शिकायत पर जो है क्या कार्रवाई हुई, जिसको लेकर पीड़ित परेशान नजर आते हैं, इसी को लेकर पुलिस महकमे ने जो है आम जनता को काफी राहत देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि अगर आप थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उसका अपडेट जो है आपके व्हाट्सएप पर अब आपको मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अब शिकायत की जो अपडेट है वो आपको व्हाट्सएप और ईमेल आईडी के जरिए आपको मिलते रहेगी। इस बात की सूचना एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पीड़ित परेशान रहते हैं कि उनकी शिकायत पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, इस बात की जानकारी जनता को नहीं मिल पाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया। आपको बता दें कि बिहार के तमाम जिलों में यह आदेश जारी किया जा चुका है। साथ ही 80% थानों में अभी तक ईमेल आईडी बनाई जा चुकी है। और आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय को जो है अब तकनीकी सेवाओं से भी अवगत कराने की कोशिश की जा रही है, उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत जो है ये तरकीब निकाली गई है कि किस तरीके से जो है शिकायत पर और कार्रवाई की जो जानकारी है वो पीड़ित को पता चल पाए, ताकि वो परेशान ना हो पाए। आपको बता दें कि जिस समय आप थाने में जाकर शिकायत करवाएंगे, उसी समय पुलिस द्वारा आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिया जाएगा, आपसे ईमेल आईडी ली जाएगी, जिस पर आपको अपडेट मिलेगा कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। तो ये पुलिस मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। शिकायतों को सुनने के लिए जन आधारित तकनीक आधारित केंद्रीकृत व्यवस्था, जिसमें हम लोग तकनीक का उपयोग करके आम शिकायतों को सुनने और उनसे इंटरेक्शन करने की व्यवस्था बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आम जनों की समस्याओं को सुनने के लिए और प्रत्येक दिन संबंधित कार्यालयों में आम जनता से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए प्रतिदिन 11 से 13 बजे का समय निर्धारित किया गया है। पुलिस मुख्यालय में भी इसके लिए पदाधिकारी चिन्हित हैं और लगातार वो बातें करते हैं और सुनते हैं। इस विकल्प में जिले के दूर दराज के थाना क्षेत्रों में रहने वाले लोग अमूमन पुलिस कार्यालय में फिजिकली नहीं पहुंच पाते हैं, और इन सुदूर देहाती क्षेत्रों से आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान हेतु तो हम लोगों ने एक व्यवस्था की परिकल्पना की है, जिसमें हम लोग इस तकनीकी युग में तकनीक का सहारा लेंगे और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये व्यवस्था हम कुछ जिलों में आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज तथा कटिहार में आम जनता की समस्या सुनने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। आज 1 तारीख को पटना में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा पुलिस अधीक्षक नगर पटना में आज फेसबुक लाइव से आम जनता की बात सुने। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहार संवाददाता।